हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जिस सारी स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पर अपने खुद के फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने फ़ोटो से कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग देखते रहे इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कान मास्टर ऐप की लिंक मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। काइन मास्टर ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहां से आपको 960 की साइज को सिलेक्ट कर लेना है। आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो गाइस, आपको यहां से उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहां पर आप अपनी फ़ोटो के या किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींचकर थोड़ा सा लंबा कर देना है इस तरह से। यहाँ से आपको इसको डन करना है, फर्स्ट पोजिशन पर आना है। गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। यहाँ से आपको इसको कट कर लेना है। इसके आपको चार पांच भाग कर लेने हैं इस वॉलपेपर के। आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है स्पीड एट प्लेड, इस पर क्लिक कर देना है इस तरह से। यहाँ से आपको इसको डन करना है इस तरह से। गाइस, आपको वॉलपेपर को बीच में से कट करते जाना है इस तरह से। हम इसके चार पाँच भाग यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। आपको भी वॉलपेपर को बीच में से कट करते जाना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वॉलपेपर को बीच में से कट कर लिया है। अब गाइस, आपको फर्स्ट वाले वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्लिप ग्राफिक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है गेट मोर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो आपको नीचे पाँचवें नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है मॉडर्न सिंपल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो आपको यहां से नीचे चले जाना है। यहां पर आपको एक क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है, इस वाले क्लिप ग्राफिक्स को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने एक राइट साइड में डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके इस वाले क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ से हम इसमें बैक आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो आपको इस वाले क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फर्स्ट वाले क्लिप ग्राफिक्स को इसमें लगा देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा क्लिप ग्राफिक्स वॉलपेपर में लग चुका है। अब गाइस, आपको सेकंड वॉलपेपर पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, इस वाले क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। इस तरह से गाइस, आपको सभी वॉलपेपर में क्लिप ग्राफिक्स को लगा देना है। तो चलिए, हम जल्दी से सभी वॉलपेपर में क्लिप ग्राफिक्स को लगा देते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सभी वॉलपेपर में क्लिप ग्राफिक्स को लगा दिया है। गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहां से आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को इसमें सेलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो को बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो इफेक्ट और साउंड को डाउनलोड कर लेना है। गाइस, आपको इस तरह से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन में लगा लेना है। आप इसको खींचकर इस तरह से फुल स्क्रीन में इसको लगा सकते हैं। आपको इस तरह से फुल स्क्रीन में इसको लगा लेना है। आपको यहां से नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है की कलर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ग्रीन कलर को इसमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो लग चुकी है। अब गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहां से आपको इसमें एक इफेक्ट को इसमें सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इफेक्ट को इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इस इफेक्ट को खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। आपको यहाँ से नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है।
लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर लाइन को इसमें सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के ऑप्शन के बगल में एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो के लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस अगर आप वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करना चाहते हैं तो आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींचकर ग्रीन स्क्रीन वीडियो को बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। आपको वॉलपेपर को बीच में से कट कर लेना है इस तरह से। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।